नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आप लोग देख रहे हैं सीएम इंडिया टीवी सिने आजकल अश्वनी कुमार पिंटू के साथ। यह जो तस्वीर आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, यह जल जीवन हरियाली योजना के तहत लगाए गए वृक्ष का तस्वीर है। पर इस योजना का असली चेहरा कुछ और ही है। एक तरफ सरकार जो है वृक्ष लगा रही है और दूसरे तरफ बड़े बड़े वृक्षों को काट रही है। यह जो कटे हुए वृक्ष का तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, इस पर हजारों साइबेरियन पक्षी का बसेरा हुआ करता था। पर इस वृक्ष के कट जाने के बाद बगल के वृक्ष पर हजारों साइबेरियन पक्षी जो है अपना बसेरा बना करके रह रहे हैं। हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके बरसों से भोजपुर के कायम नगर में प्रजनन के लिए आने वाले साइबेरियन पक्षियों का आशियाना उजड़ गया। मेहमान पक्षी यहाँ हरे भरे पेड़ों पर आशियाना बनाते हैं और प्रजनन करते हैं। कायम नगर सड़क के किनारे इस पेड़ के कट जाने से लगभग 2000 से ज़्यादा साइबेरियन पक्षी का घोंसला नष्ट हुआ। हजारों हजार बच्चे नष्ट हुए, हजारों हजार अंडे नष्ट हुए। कहा गया है कि तेरे इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, कल अपनापन तो आज पीठ में खंजर क्यों है। आइए इन्हीं विषय पर यहाँ बरसों से रह रहे एक व्यक्ति से हम बात करेंगे जो प्रवासी पक्षियों के साथ घुल मिल से गए थे। उनकी जवानी सुनते हैं, इन साइबेरियन पक्षी की कहानी। टीएम इंडिया टीवी से मैं अश्वनी कुमार पिंटू अभी कायम नगर बाजार पर हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ प्रवासी पक्षियों का आना जाना लगा रहता है हर साल। आइए, जो पेड़ कटने के बाद जो स्थिति है, आइए हम जानते हैं इनसे। पेड़ कटने के बाद बहुत उदासी वाला माहौल हो गया है बाजार पर। जब तक पक्षी रहते थे पूरा चारों तरफ गुलजार रहता था, उदासी लग रहा है। यहाँ पर इतना सुरक्षा था उन पक्षियों का कि नीचे जमीन पर चलते थे वो सब। हम लोग उठा उठा कर वो पेड़ पर रखते थे, कोई डर नहीं था। हम लोग दुकान में बैठ जाएगा, फोटो हम लोग लेंगे, सेल्फी, काउंटर पर बैठ जाता था, बढ़िया लगता था। तो हम लोग भी उदास हैं, क्या किया जाएगा, सरकार की नीति है। अच्छा, ये कब आ जाते थे पक्षी लोग? ये अप्रैल के सेकेंड वीक में आना शुरू होता है। जाते कब थे? जाते हैं ये लोग सितंबर के लास्ट वीक से अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक चले जाते हैं। यानी कि मतलब ये लोग अपने प्रजनन, बच्चों के प्रजनन के लिए आते थे। और यहाँ पर काफ़ी सुरक्षित माहौल था उन लोगों के लिए। और पिछले हम लोग 25-30 साल से देख रहे हैं, एकदम टाइम फिक्स है आने का और जाने का। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम सुनील कुमार, चंदन मेडिकल कैंप। इनका कहना है कि अतिथि पक्षियों के साथ हम लोग घुल मिल गए थे। अतिथि देवो भवो के आदर्श को मानने वाले इस देश में सैकड़ों अतिथि पक्षियों, उनके बच्चों और अंडों की निर्मम हत्या से हम लोग आहत हैं, दुखी हैं। पूरे बाजार पर मातम की स्थिति है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से पेड़ों को गिराया जा रहा है, पक्षियों के आशियाने को उजाड़ा जा रहा है। सीएम इंडिया टीवी सीने आजकल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सीने आजकल न्यूज़। नमस्कार।